हेलो, हाँ अंदर सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ ठीक है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इन दोनों को आज मैं बता ही दूंगी इनकी माँ क्या चीज है। माँ से पंगे लेना बहुत खतरनाक है। ठीक है। छोटी बड़ी, यार ये मम्मी किससे बात कर रही है? मुझे तो डर लग रहा है, लगता है मम्मी कोई प्लान बिछा रही है हमारे खिलाफ। यार बड़ी, मुझे तो लग रहा है मम्मी हमको मारने के मूड में है। क्यों मारना चाहती है यार, हम तो छोटे से मासूम से बच्चे, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सही करी बड़ी, और मैं तो अपना सारा होमवर्क भी करके आई हूँ, अब पता नहीं मम्मी हमको किससे पिटवाने वाली है। ऐसा लग रहा है जिससे फोन पे बात कर रही है वो कोई खतरनाक ही लोग हैं। अब अंदर चल के देखना पड़ेगा कि अंदर क्या सीन है, मेरे को वैसे अंदर नहीं जाना। अब तो लगने वाली है लंका बड़ी। छोटे अब तो मुझे डर लग रहा है मम्मी से। कितनी बार बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ तेरी बहन अभी जिंदा है। तो तुम दोनों तैयार हो, चले अंदर। मम्मी हम यहीं पे चले, हमें तो यहीं पे मजा आ रहा है, यहाँ की ताजी ताजी हवा खा रहे हैं, हमें तो यहीं पे मजा आ रहा है। हाँ मम्मी छोटी सही कह रही है, क्या करेंगे अंदर जाके, यहीं रहते हैं ना। कहा ना चलो अंदर। मम्मी हम नहीं जाएंगे। चलते हो यहाँ भी बताओ तुम्हें। जा रहे जा रहे, चल मैं। अरे जा रहे ना मम्मी, आप तो खामा खा में गुस्सा कर देती हो। चल रहे अभी हम। एक मिनट, तुम्हारी आंखें तो बंद कर लूं। चलो अब खोलो आँख। नहीं नहीं मम्मी, मैं अपनी आँख नहीं खोलूंगी, मैं अपनी आँखों से अपनी मौत की खाई नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं मम्मी, मैं भी अपनी आँख नहीं खोलूंगी, मैं बड़ी जवानी में मरना नहीं चाहती हूँ। तुम दोनों खोल रहे हो आँख, क्यों उठाओ अपनी चप्पल। खोल रहे। लगता है तुम्हें जगह पसंद नहीं आई। एक काम करते हैं वापस घर चलते हैं। नहीं नहीं मम्मी, हमें बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। आप ही मम्मी पूरी गली की ना सबसे अच्छी मम्मी हो। अरे मम्मी आप तो पूरे मोहल्ले की सबसे अच्छी मम्मी हो। क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी, आप तो पूरी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। अच्छा मक्खन बाजो, ज्यादा मक्खन मत मारो अपनी माँ को। अरे मम्मी लो जरा फोन लो, मैं पापा को वीडियो कॉल करती हूँ और उनको दिखाती हूँ कि हम कहाँ हैं। चुप कर, कोई जरूरत नहीं अपने बाप को फोन लगाने की, वो तो वहाँ पे अपने हाईलैंड में मजे कर रहा है ना, हम यहाँ पे मजे करेंगे। अरे मेरी भोली मम्मी, प्यारी मम्मी, वो हाईलैंड नहीं, वो थाईलैंड होता है। हाँ हाँ तुझे तो सब पता है ना दादी माँ। चलो अब जाके मजे करो तुम अपने ट्री हाउस में। चल छोटी। चल बड़ी। अरे ध्यान से कहीं अपनी हड्डी पड्डी मत तुड़वा लेना। ये रहा हमारा ट्री हाउस। छोटी अब इसको ना हम अपना फैमिली ट्री हाउस बनाएंगे और इसमें खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे। वाला है। तुझे भूख लग रही है? हाँ यार सही कह रही है तू, भूख तो बहुत ही लग रही है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ पे पानी गर्म करूंगी, तो तालाब में से जाके मछली पकड़ ला। हाँ ये सही आइडिया, चल जल्दी जा। छोटी मछली कहाँ है तू? देख मैं तेले कितने सारे अनार लाई हूँ। छोटी मछली कहाँ है तू? देख मैं तेले अनार लाई हूँ। शुशु शुशु छोटी मछली शुश कहाँ है तू? मछली खा ले। अरे ओ छोटी यहाँ क्या कर रही है? अरे मम्मी मैं ना मछलियों को दाने खिला रही हूँ, बड़ी ने बोला ना वो। मछली को ढूंढ रही है? मछली नहीं आने वाली, मछली तो सो रही है। और तुझे पता नहीं है मछली को परेशान करना पाप है पाप। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। क्या है? जा जाके बड़ी के साथ खेल और ये अनार मुझे दे। चल जा। खेल रही हूँ ना खड़ूस मम्मी, क्या वहाँ से आई बड़ी मछली ढूंढने वाली।
पानियों की तरह सो रही थी। अभी तक तूने पानी गर्म नहीं करा। तुझे भी तो मछली लाने भेजा था, मछली कहाँ है? हमारी खड़ूस मम्मी है ना, खड़ूस मम्मी बोल रही है कि मछली को परेशान करना पाप है और बुलाना भी पाप है, और बोल रही है कि मछली जल की रानी है, जीवर उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, ये खटारा पोयम तो सुनी है मैंने भी। ए, मम्मी भी ना, चल चल के देखते हैं मम्मी कर क्या रही है नीचे। चल छोटी। चल बड़ी। अरे मछली, और छोटी मछली दाना खा ले। मछली कहाँ है? मछली, छोटी मछली, अरे मछली। अच्छा मम्मी, आप तो कह रहे थे कि मछलियों को परेशान करना गंदी बात होती है, लेकिन आप तो खुद ही ऐसे कर रहे हो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मम्मी तुम तो बड़ी तेज फिल्म निकली, मछलियों को तंग कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है बच्चों, मैं यहाँ मछली पकड़ रही थी घर ले जाने के लिए? नहीं नहीं बेटा, ये तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रही थी, तुमको चाहिए थी ना। हम कल के बच्चे नहीं हैं, हम ना आपकी की औलाद है। हाँ हाँ पता है, मेरी औलाद हो तुम। चलो ना मम्मी, छुपम छुपाई खेलते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं। छुपम छुपाई? नहीं नहीं नहीं, घर पे भी वही खेलना, यहाँ पे भी वही खेलना। नहीं नहीं, अबे यार बोरिंग जगह ही है, हम तो यही खेलेंगे। मम्मी प्लीज खेलेंगे, ठीक है? आपकी टाइम है, हम दोनों छुपने जा रहे हैं। चल छोटी। अरे अरे मेरी टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो बच्चों, मैं आ रही हूँ। अरे ये कौन सा पेड़ है? लगता है नया होगा, छोटा सा नन्ना सा, पर इसमें से बड़ी बदबू आ रही है, इसको नहलाना पड़ेगा। नहीं ये बदबू वाला पेड़ नहीं, ये कांट वाला पेड़ है, उससे दूर रहो वरना ये आपको लग जाएगी। अच्छा छोटी, आई स्पाइस। यार मम्मी, सबसे पहले मैं ही आउट हुई हूँ क्या? आपने उस बड़ी को नहीं पकड़ा? अरे तो उसे भी पकड़ेंगे ना, पहले बता दो है कहाँ वो। वही पर खड़ी है उस वाले पेड़ के पीछे। चले चलो चलो मम्मी। अरे बहुत देर होगी छोटी, मुझे तेरी बड़ी बहन मिल ही नहीं रही है। मम्मी मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। हाँ चलो खाने चलते हैं। अच्छा बता क्या खाएगी तू? मुझे खाना है बर्गर और पिज्जा और नूडल्स। चलो फिर खाने चलते हैं, अब बड़ी तो है नहीं, क्या कर सकते हैं, बेचारी भूखी रहेगी, है ना? अरे मम्मी आप भी ना छोड़ो ना उसे, उसको मारो गोली, हम खाने चलते हैं। हाँ चलो चलो। रुको भाई, आप दोनों अकेले खाने क्यों जा रहे हो? मेरे को भी खाना है बर्गर, चाउमीन, मोमोज, स्प्रिंग रोल, सब मुझे भी खाना है। आई स्पाइस बड़ी। अच्छा मम्मी, तो ये तो मुझे बुद्धू बना रहे थे आप लोग, मुझे पकड़ने का तरीका था ना ये। अरे बड़ी, बुद्धू को बुद्धू बना सकते हैं क्या? हाँ तो तुझे क्या लग रहा है, मैं तुम्हें ये सब खिलाने वाली हूँ। चल अब टाइम दे। यार बड़ी, तुमने तो मुझे चक्कर दिला दिया। वैसे एक बात बोलो, मुझे बहुत तेज की ना भूख लग रही है। अबे यार तेरे कहने पे मुझे भी भूख लग गई। चल यार मम्मी के पास चलते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ होगा खाने के लिए। चल छोटी। चल बड़ी। मम्मी 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 मम्मी, चली चल छोटी। मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। हाँ बताओ क्या खाओगे? मैं पिज्जा खाऊंगी, मैं बर्गर खाऊंगी, मैं चाउमीन खाऊंगी, मैं मैगी खाऊंगी, मैं पास्ता खाऊंगी, मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी। खिलाओ तो मैं पिज्जा बर्गर पास्ता। हाँ पिकनिक पे आए हैं हम, पिकनिक पे घर का खाना खाते हैं, बना के लाई हूँ ना मैं हलवा पूरी, वही खाओ तुम, बाहर का खाना नहीं खाते। क्यों? जब पापा हमें पिकनिक पे लाते थे ना तो हमें बाहर का ही लाते थे, आपके जब नहीं जो घर का खाना खिलाते थे। हाँ तो चले गए ना तुम्हारे पापा बाहर और छोड़ गए तुमको मेरे पास। जाओ इतना ही शौक है खाने का तो जाओ उनके पास जाओ। मम्मी भूख लग रही है यार, खिला दो ना।
यही खा ले, वरना हम ये भी नहीं खा पाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है, सही कह रही है तू। सुन ले छोटी की बात, बड़ी तुझसे ज्यादा समझदार है छोटी। मम्मी सुन लिया, लाओ दो खाना। आ गया मम्मी, क्या खाना बनाया मम्मी, मन तो कर रहा है आपके हाथ चाट जाऊं। स्वाद ही आ गया। मैं नहीं कहती थी कि घर का खाना सबसे अच्छा खाना होता है, और कल तो मैं टिंडे बनाऊंगी। टिंडे? मैं नहीं खाने वाली कोई टिंडे बिंडे, आपका कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, टिंडे बिंडे नहीं खाएंगे। हाँ तो फिर करेला बना दूंगी। ओ मम्मी, जरा सी तारीफ कर दी, आप तो पेड़ की झाड़ पे चढ़ गई हो, ना ही टिंडे ना ही करेला, ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे हम, ये जो बनाया जरा वही खा लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, यही बना दूंगी। ये तो हमारे वाला गाना है। अरे ये तो वही गाना है जिसमें बच्चों ने हमारी सालगिरह पे डांस किया था। अरे मैं भी आ रही हूँ बच्चों। मम्मी आपका ये देसी खाना खा के ना पूरा पेट भर गया है, अभी खाना कैसे हजम करें? देखो भाई, खाना हजम करने का तो एक ही तरीका है, व्यायाम। क्या व्यायाम? ये क्या मम्मी? अरे मेरा मतलब है ऐसे करके, ऐसे सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। मम्मी अगर सांस अंदर बाहर करते रहे तो खाना से बाहर नहीं आ जाएगा। सही कह रही है मम्मी, ये कुछ और नहीं है, कुछ और बताओ यार। तो तुम ही बताओ फिर कैसे खाना हजम करें। पकड़ाई। पागल तो नहीं हो गए? इन पत्थरों में दो तीन कदम भी चले और गिर गए ना तो खून निकल जाएंगे। मम्मी साड़ी हमने नहीं आपने पहनी है, अब अपना ख्याल रखो, हम तो बढ़िया तरीके से भागेंगे, कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें पकड़ ले। हाँ नहीं तो। हाँ तो तुम अपनी माँ को कम समझते हो क्या? अपने जमाने की खो खो प्लेयर थी, खो खो प्लेयर, और कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे पकड़ सके। अच्छा, आज तो कोई इंसान भी पैदा नहीं हुआ जो बड़ी और छोटी को पकड़ पाए। अब बस हमें पकड़ो, चल छोटी। चल बड़ी, मैं खोदी उठा उठा रही हूँ, चलना जल्दी। अब दिखाती हूँ इन्हें कि इनकी माँ अपने जमाने की कितनी बड़ी खो खो प्लेयर रही है। रुको तुम। क्या हुआ मम्मी, सांस भर गई क्या? हाँ तो बेटा, इतने बुढ़ापे में अपनी माँ को भगाओगे तो सांस ही भरेगी। क्या हुआ मम्मी, आप तो अपने जमाने की खो खो प्लेयर थी। हाँ तो अपने जमाने की खो खो प्लेयर थी, अब थोड़ी हूँ। अब बहाने मत मारो, हमें शांति से पकड़ो, भाग जड़ी। सपनों की गोली हर ऊट पटंगा, हनी जो चला ले की जेब पे खाली, कदम कदम पे बंगा। छोटी बड़ी, मम्मी तो बेहोश हो गई। सही कह रही है, अब क्या करे? एक काम करते, यहाँ से 9 to 11 हो जाते हैं, ये तो मम्मी को होश आए ना, चप्पलों से मारेगी हमें। भाग 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 बड़ी, भाग छोटी। Hey guys, तो कैसे आप सब, और कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपने यहाँ का डे का व्यू देखा, मैं नाइट वाली वीडियो लाऊंगी जिसमें सारी लाइट जलेगी, वो ज्यादा अच्छी होगी, ये भी अच्छी है। वीडियो को फुल देखना, एंड तक देखना, मिलती मैं जल्दी प्यारी सी लव सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली। मम्मी कैसी लगी, अच्छी लगी ना? चल।